नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की बात प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान हो गया है, चलिए जानते हैं कैसे। आधार को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से छोटे और रिटेल शेयर बाजार निवेशकों को फायदा होगा, साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपने ग्राहकों के KYC यानी नो योर कस्टमर करने में मदद मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और नो स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को नो योर कस्टमर के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इस कदम से ये कंपनियां अब KYC कर सकेंगी, यानी अपने ग्राहकों को KYC के लिए कागजात पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए अब जानते हैं वित्त मंत्रालय ने इस पर क्या कहा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से कंपनियों के जरिए निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगेगी। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस संदर्भ में 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए अब ग्राहकों से आधार की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी, बल्कि UIDAI की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करेंगी। अब केवल ग्राहकों को आधार नंबर बताना होगा। तो वित्त मंत्रालय ने शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान कर दिया है। उम्मीद है ग्राहकों में इससे कुछ खुशी का माहौल होगा। तो जल्द मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।